जोगिंदर ने दिया एल्विस को ओपन चैलेंज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है पूरा का पूरा माजरा और क्या है पूरी की पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फाइनली बात करते हैं क्या है पूरा का पूरा माजरा और क्या है पूरी की पूरी अपडेट। जैसा कि आपको पता होगा कि एल्विस वर्सेस जोगिंदर फिर से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जोगिंदर है बार बार वीडियो पोस्ट करे जा रहे हैं एल्विस के खिलाफ और फाइनली इन्होंने एक और वीडियो पोस्ट कर दिया है। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तूने मैक्सटन को थप्पड़ मारा और साथ ही साथ तूने एक और लड़के को थप्पड़ मारा, तो सभी को अपना सिस्टम दिखाना चाहता है। और तू क्या कह रहा था कि मैं अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ये सब कर रहा हूँ, अगर मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर, जो तेरा सिस्टम है ना उसके अंदर, वो सभी के सभी हैंग पड़ जाएंगे। जी हाँ, जो तेरे सिस्टम गए हुए ना उसके अंदर, वो सभी के सभी हैंग पड़ जाएंगे अगर मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लिया 1% बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर। जी हाँ, ये कहते हैं जोगिंदर एल्विस यादव को। और वहीं की तरफ आपको देखने को मिला कि एल्विस यादव का भी रिप्लाई आ जाता है उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, जो एल्विस यादव होते हैं वो जोगिंदर को कुछ ये रिप्लाई देते हैं कि यूज लीगल हथियार एज साउंड अगली बार से। जी हाँ, यानी कि यूज करो लीगल हथियार, साउंड से हम बाद में भी बात कर लेंगे। जी हाँ, और आपको क्या लगता है, क्या ये बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। और ऐसे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब झुकना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।